खबर दे आपको, वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। इजलास में फलाह आमा के लिए जारी स्कीमों और तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आकिब तनवीर से। जी आकिब, इजलास का अहवाल बताइएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें चेयरमैन मनसूबा बंदी और तरक्यात और सेक्रेटरी खजाना समेत सेक्रेटरी तमीरात और मौसलात और सेक्टरी मनसूबा बंदी की जानिब से तरक्याती कामों के ऊपर एक तो ब्रीफिंग दी गई है। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आला पंजाब को बताया गया है कि जो जो स्कीमें और प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके ऊपर कितनी कितनी पेशरफ्त हुई है, इसका जायजा भी लिया गया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब का इस मौके पर कहना था कि दूरदराज इलाकों में एक तो तरक्की के लिए जामिया हिकमत अमली मुरतब कर ली गई है। तरीके साहब की हुकूमत का तरक्याती प्रोग्राम जो है वो यकसा तरक्की के ऊपर होगा और तमाम अजला के अंदर तरक्की को लेके जाएंगे। पसमानदगी जो है वो दूरदराज इलाकों की खास तौर पे उसको खत्म करेंगे और बरवक्त तकमील जो है तरक्याती मंसूबों को उसके समरात अब आम आदमी तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि तमाम फलाह आमा की स्कीमें जो है उनकी बाकायदा तौर पे मॉनिटरिंग मैं खुद करूं और इसके साथ साथ उनका जायजा ले सकूं कि ये कब तक मुकम्मल भी की जाएंगी और कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द इन स्कीमों को मुकम्मल भी किया जाए। जी ठीक है, तमाम इजला में तरक्की के हवाले से इकदाम किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आकिब तनवीर आपका।